स्टूडेंट्स आज हम करेंगे 10th क्लास के लिए टॉपिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो पॉलिनोमियल टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में सेकंड यूनिट है 10th क्लास के अंदर, तो आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक टच ले लेते हैं। स्टूडेंट वैसे तो इस पॉलिनोमियल टॉपिक का बेसिक 9th क्लास में था, लेकिन थोड़ी सी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम देख लेते हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके अंदर नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि जो इस एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होगी वो क्या होगा, मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं इसके इक्वल में 0 लगा दूं, अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट्स इसका प्रॉपर यूज होगा हमारे 10th क्लास के अंदर। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज होगा, आफ्टर दैट एक पॉलिनोमियल और यूज होता है इसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो भी थोड़ा सा यूज होगा 10th क्लास के अंदर। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है स्टूडेंट्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अंदर नेसेसरी कंडीशन क्या है कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या चीज यूज होगी, हम स्टूडेंट्स इस x के अंदर इस पावर से हमें ये पता चलता है कि x की अगर पावर 2 है, अगर x की पावर क्या है 2 है, तो इस x की दो वैल्यूज आएंगी। उस पहली वैल्यूज को हम बोलेंगे अल्फा और उस दूसरी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, बीटा। पहली वैल्यू को स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, एक्स की पहली वैल्यू को अल्फा और एक्स की दूसरी वैल्यू को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। ये अल्फा और बीटा हम इनको जीरोज भी बोलेंगे, जीरोज। हमें करना क्या है इस चैप्टर के अंदर कि हमें एक्स की दो वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो अल्फा होगी, सेकंड वैल्यू जो होगी वो बीटा होगी। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। और इनके साथ जो ये कोफिशिएंट है ए बी और सी, ए बी और सी, स्टूडेंट यहां एक नेसेसरी कंडीशन और है कि ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, फिर ए बी और सी तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तीनों नंबर क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं वो बात करेंगे हम। हमारे पास इस तरीके का कोई ग्राफ है x और y, x एक्सिस और y एक्सिस। स्टूडेंट आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इसके पीछे बेसिक तो है लेकिन आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अगर कोई इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के दिया गया है, ये पॉलिनोमियल x को जितनी बार काटेगा इसके नंबर ऑफ जीरोस उतने होंगे, यानी कि इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि ये एक्स को दो बार काट रहा है। कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व एक्स को, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने उसके क्या होंगे, जीरो होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 2.1 में कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये स्टूडेंट्स इस तरीके का हमने ग्राफ ले लिया, इसके अंदर अगर हमें बताने हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसके अंदर हमें अगर बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो गिन लीजिए 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि इसके अंदर एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी, और इसके अंदर एक्स की क्या वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। स्टूडेंट 2.1 में कुछ ज्यादा नहीं है, जो मेन पॉइंट है हमारा वो 2.2 एक्सरसाइज है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, और 2.2 बिल्कुल ध्यान से समझनी है आप लोगों ने।
बहुत ही बढ़िया और इजी तरीके से यहां आपको एक मिनट के अंदर ये समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है, x²-2x-8=0। स्टूडेंट्स इस तरीके की इक्वेशन हमें दी हुई है और बोला क्या गया है इसके लिए करना क्या है, हमें फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। स्टूडेंट ये वेरीफाई द रिलेशन जो है अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, अभी हम पहले इसकी बात कर लें कि फाइंड द जीरोस ये क्या है। स्टूडेंट हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड आप कह सकते हैं, इस मेथड से हम पहले इस क्वेश्चन के क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, x²-2x-8=0। स्टूडेंट क्या करना होता है हमें, फर्स्ट टर्म यानी कि जो क्वाड्रेटिक जो जिसकी पावर 2 है x की, वो टर्म सेम टू सेम एज इट इज रखनी है। जो लास्ट टर्म यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जो c की वैल्यू है, इस स्टूडेंट इसके अंदर हमारी a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2 -2 और c की वैल्यू क्या है -8। देखिए स्टूडेंट इसकी हम बाद में बात करेंगे, x²-8=0। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, -2x है, -2x को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, यहां इसके साथ हम मल्टीप्लाई में 1 लगा सकते हैं। -2x को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आए 8 आए, और इसका ऐड या सब्ट्रैक्शन, इस डिजिट को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारे दिमाग में एक डिजिट आती है -4x + 2x। ध्यान से देखिए स्टूडेंट इसको, -4 + 2, अगर हम इन दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा हमारे पास -2, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -4 × 2, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा -8, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट भी यही थी -8 × 1। तो हम इधर नहीं, इधर ध्यान देते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x यहां से कॉमन आ गया, यहां बच गया 1x, माइनस x यहां से बाहर आ गया, यहां ओनली क्या बच गया 4 बच गया। पहली टू टर्म्स में से अलग कुछ चीज कॉमन लेनी है, नेक्स्ट टू टर्म में से अलग कुछ कॉमन लेना है, तो यहां से क्या आ गया 2 कॉमन आ गया, यहां से x बच गया। स्टूडेंट इस 8 में हम 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 8 में अगर 2 का डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। यहां एक नेसेसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स, क्या कि ये दोनों ब्रैकेट जो है ये आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है इट मींस कि आपने ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक की है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही है। अब हम यहां से दो तरीके से बात कर सकते हैं कि x-4 हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, या ये कह दें कि जो सेम पार्ट है उसको एक बार लिखेंगे और जो बाहर पार्ट पड़ा आपका उसको हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया था x²-2x-8=0, इसके हमने दो फैक्टर कर लिए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। हम क्या करेंगे, पहले x-4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर x+2 को इक्वल टू 0 रखेंगे। स्टूडेंट यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहली वैल्यू है x की, इसलिए अल्फा जो फर्स्ट वैल्यू है हम उसको क्या बोलेंगे अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई, और जो सेकंड टर्म आई है ये 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2, राइट साइड में हम इसको उठा के लेके जाएंगे ये क्या बन जाएगा -2। इसी तरीके से जो ये सेकंड वैल्यू आई है ये बीटा की वैल्यू होगी और ये क्या बन जाएगी हमारे पास -2। हमारे पास अल्फा की वैल्यू रेडी है स्टूडेंट्स 4 और बीटा की वैल्यू क्या आई है -2। अब हम बात करते हैं इसकी, वेरीफाई द रिलेशनशिप, अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की, कैसे हमें वेरिफिकेशन करना है। स्टूडेंट आपको दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, वी हैव टू लर्न टू फॉर्मूलाज ओनली, देयर इज वन फॉर्मूला α+β = -B/A, α+β = -B/A। मैंने आपको बता दिया a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -8। a की वैल्यू हमारे पास 1 है,
b की वैल्यू 2 माइनस 2 है और c की वैल्यू क्या है माइनस 8 है। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई है 4 आई है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 2 आ गई। स्टूडेंट इसको यहां इक्वल में नहीं लिखना है, ये इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, इक्वल लिखना नहीं है। 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। देखिए स्टूडेंट हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर 2 आई है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। देखते हैं माइनस, ये माइनस स्टूडेंट हमारे फॉर्मूले में है, b b की वैल्यू यहां देखिए, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 2 ओवर a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 ओवर 1 मींस 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था आपको कि दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला ये था अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए, सेकंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल सी ओवर ए, ये हमारा पॉलिनोमियल के अंदर वेरिफिकेशन के लिए सेकंड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अल्फा इनटू बीटा सी ओवर ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4 आई, ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस 2, तो 4 2 जा 8 दैट इज माइनस 8, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8 आ गई। हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या निकालनी है माइनस 8 निकालनी है। देखिए स्टूडेंट c c की वैल्यू क्या है हमारे पास पॉलीनोमियल में माइनस 8 अपॉन a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये क्या बन जाएगी माइनस 8। यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गई वैल्यू सेम आ गई। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 6 पार्ट है एनसीईआरटी बुक के अंदर, देखेंगे ध्यान से दोबारा देखेंगे। ये पॉलीनोमियल स्टूडेंट हमें गिवन था x2 -2x -8 0, हमें क्या कहा गया है इसमें करना क्या है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस x2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या लगाया 1 लगाया, ठीक है -2x -8 0। अब हम क्या करेंगे दूसरे पार्ट में इस -2x की टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट किस तरीके से करेंगे इसको मैंने लिखा -4x +2। तो देखो दोस्तों स्टूडेंट ध्यान से -4x +2 इनको मैं ऐड या सबट्रैक्ट करूं तो क्या बनेगा -2 बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा -8 बनेगा। इन दोनों में से अलग कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ अलग कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लिया मैंने x, ठीक है, यहां x की बाहर कितनी थी 2 थी, तो एक x बाहर आ गया और एक x अंदर रह गया, यहां x बाहर आ गया इसकी वजह से क्या बच गया यहां पे 4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सेम टर्म यानी कि 2 कॉमन आ रहा है, x यहां बचा 8 में से 2 का डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया स्टूडेंट्स 4 बच गया। ये x - 4 x - 4 मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, x - 4 कॉमन आ गया यहां से x बच गया और यहां से 2 बच गया। इस x - 4 के इक्वल में क्या रख दिया हमने स्टूडेंट 0 रख दिया, -4 उधर चला गया, x की वैल्यू क्या आ गई 4, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम क्या मेंशन करेंगे अल्फा मेंशन करेंगे, x + 2 = 0 इस 2 को हम उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा -2, इस सेकंड वैल्यू को हम क्या मेंशन करेंगे बीटा मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है वेरिफिकेशन की अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4 आई और बीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास -2 आई, तो 4 प्लस -2 क्या बन गया हमारे पास 2। इसी तरीके से ये माइनस हमारे फॉर्मूले में पड़ा था, बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास -2, बी की वैल्यू मैंने -2 पुट कर दी, ए की वैल्यू यहां कुछ नहीं था मल्टीप्लाई में तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूं 1 लगा सकता हूं, तो माइनस इनटू -2 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो गया ये बन गया 2 इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई इक्वल आ गई। तो हमारे पास सेकंड फार्मूला क्या है वेरिफिकेशन का अल्फा इनटू बीटा सी ओवर ए, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2, 4 2 क्या आ गया -8, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -8 और ए की वैल्यू क्या है 1, -8 अपॉन 8 1 कर दिया क्या बन गया हमारे पास -8, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई इसलिए क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी के अंदर हमारा सेकंड पार्ट है, इसी 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट हमारा बनता है 4s2 - 4s + 1 = 0 4s2। स्टूडेंट यहां s हो x हो y हो कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, s क्या है हमारा इसके अंदर वेरिएबल है, 4s2 - 4s + 1 = 0 ये हमारे पास
क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इक्वल टू जीरो गिवन नहीं होता है, इक्वल टू जीरो हमें लगाना है अगर हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि इस स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो होगा वो होगा ए, नेक्स्ट टर्म के साथ जो होगा वो होगा बी, नेक्स्ट टर्म ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, यहां ध्यान रखना है अगर वेरिएबल वाली टर्म है तो ही ये बी है, अदरवाइज सी, सी की वैल्यू क्या है वन। इसका यूज बाद में होगा, इसका हम पहले क्या करेंगे स्प्लिटिंग टर्म से इसको स्प्लिट करेंगे। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म है 4s² उसको मैंने एज इट इज रख दिया, लास्ट टर्म है 1 उसको मैंने एज इट इज रख दिया। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई देखना है, इन दोनों का स्टूडेंट मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, यहां है 4 मेरे पास और यहां क्या है 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि मुझे इसकी टर्म का स्प्लिटिंग करने के बाद क्या बनना चाहिए रिजल्ट, मुझे मल्टीप्लाई में क्या मिलना चाहिए 4, और बीच में यहां क्या पड़ा है -4, यानी कि ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो भी क्या बनना चाहिए मुझे -4 बनना चाहिए। तो स्टूडेंट इस -4s को मैं लिख सकता हूं -2s, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा -2 -2, तो -2 × -2 देखिए क्या बन गया प्लस का 4, और एक और चीज -2 और -2 को आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा -4। s इसके साथ ऑलरेडी लगेगा बिकॉज वेरिएबल तो लगेगा ही साथ में। देखिए ध्यान से, इन दोनों में से कुछ अलग कॉमन लेना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ अलग कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से देखिए, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है s, तो यहां से कॉमन आ गया 2s, यहां से कॉमन आया 4 में, मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 2, यहां s की पावर 2 है, इसका मतलब आपको बता दिया मैंने कि s कितने हैं यहां पे 2 है, उसमें से एक बाहर आ गया तो एक बच गया अंदर। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए, अगर यहां से 2s पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है 2s पूरा का कॉमन आ रहा है, तो यहां कुछ नहीं बचेगा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। इसका आप कैसे चेक कर सकते हो, इसको आप अंदर वापस मल्टीप्लाई करके देखिए, 2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनना चाहिए, यहां देखो 2s को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या बन गया -2s बन गया। स्टूडेंट यहां से देखे जाए तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और जिस दो पेयर में से कुछ भी कॉमन ना आए उसमें से 1 कॉमन जरूर आता है। स्टूडेंट यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, अगर मैं यहां से 1 कॉमन लेता हूं तो मुझे यहां डिजिट कोई साइन जरूर लगाना है, मुझे यहां कोई निशान जरूर लगाना है, साइन लगाना है, तो वो निशान क्या होगा उसके अकॉर्डिंग देखना है। अगर मैंने यहां से 1 कॉमन लिया तो यहां बन गया 2s, इसका मतलब ये माइनस जो है मुझे बाहर ही रखना है। इसका एक और कारण है आगे देखेंगे, अगर मैंने यहां से +1 कॉमन लिया होता तो +1 पूरा का पूरा बाहर आ जाता, ये माइनस अंदर बच जाता, मुझे माइनस अंदर नहीं बचाना है, बिकॉज क्या कंडीशन थी आपको बता दिया था मैंने कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे हम, जिसकी वजह से 2s प्लस का अंदर बच जाएगा, और इस +1 में -1 का डिवाइड करेंगे, +1 में क्या करेंगे हम -1 का डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास -1, इसको आप वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए -1 क्या बन जाएगा +1। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, ये 2s माइनस 1, ये 2s माइनस 1, यहां से ये आ गया, यहां से बाहर क्या बचा 2s और यहां से -1। देखिए स्टूडेंट इसको हमने कॉमन ले लिया 2s माइनस 1 ब्रैकेट को, और ये 2s और ये -1 सेम आ गया। अब हम इसके वापस उसी तरीके से दो पार्ट कर लेंगे, फर्स्ट फैक्टर में से इक्वल टू 0 रखेंगे, ये 1 है तो 1 उधर जाके क्या होगा प्लस का 1 बन जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पहले वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको हम क्या लिखते हैं अल्फा लिखते हैं, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। सेकंड देखेंगे 2s-1 = 0, इस माइनस वन को इधर ले जाएंगे 2s = 1, s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही, ये स्टूडेंट सेम वैल्यू आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, इसमें बाय चांस वैल्यू सेम आ रही है, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 आ जाएगी। हमारे पास अल्फा और बीटा दो जीरोस फाइंड कर लिए हमने, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था फाइंड जीरोस, यानी कि दो जीरोस फाइंड करने थे, अब क्या करना है वेरिफिकेशन करना है इसका, इसका हम क्या करेंगे अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया था मैंने याद करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो स्टूडेंट अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू यहां देखिए क्या आई, 1 अपॉन 2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट चाहे ऐड कर लो, ये हाफ है और ये हाफ है, हाफ हाफ क्या हो जाएगा 1, अदरवाइज इसका एलसीएम 2 आ रहा है, उस तरीके से भी हो जाएगा। इक्वल माइनस, माइनस फॉर्मूले में है यहां पे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू यहां से देखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 अपॉन ए, ए ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू ध्यान से पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4 यानी कि 1। देखिए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में भी यही था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। वेरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है। सेकंड फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, सो वी विल डू मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अब हम देखेंगे सी, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो स्टूडेंट्स यहां वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यू सेम आ गई, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम। स्टूडेंट इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट 2.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, दोबारा देख लेंगे इसको थोड़ा सा। ये कंडीशन हमें दी गई थी 4s² - 4s + 1 = 0, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट टर्म को सेम रखेंगे, 1 को सेम रखेंगे, इस 4s को क्या लिखेंगे, -2s - 2s। देखेंगे स्टूडेंट इसमें से ब्रैकेट लेंगे कॉमन, हम ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है देखेंगे, 2 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक s कॉमन आ रहा है, 4 में 2 का डिवाइड कर दिया 2 आ गया, s यहां 2 है यानी कि डिवाइड कर दिया तो 1s बच गया, यहां से 2s पूरा बाहर आ गया, इसकी वजह से क्या बच गया यहां पे 1। अब यहां अगर 2s - 1 है तो सेकंड ब्रैकेट में भी क्या होना चाहिए, 2s - 1, तो यहां से 1 भी कॉमन आ रहा है और -1 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम लेंगे -1 कॉमन, बिकॉज़ यहां मुझे -1 चाहिए, तो यहां से -1 कॉमन लिया, अंदर बच गया 2s पॉजिटिव और 1 में 1 का डिवाइड कर दिया तो यहां क्या बच गया 1। यहां से देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए, 2s - 1 हो गया, यहां 2s - 1 = क्या बन गया 0, इसमें फर्स्ट ब्रैकेट को 0 रखा अल्फा की वैल्यू आ गई, सेकंड ब्रैकेट को 0 रखा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए। आफ्टर दैट क्या करना है हमें, वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन में देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। स्टूडेंट्स आज में हमें इतना ही करना है, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करता रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।